आगरा से 40 किलोमीटर दूर बसा आगरा जनपद का एक शहर है खेरागढ़। इसके साथ ही खेरागढ़ प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। यहां से विधायक है बसपा के भगवान सिंह कुशवाहा। अगर विधानसभा के इतिहास पर गौर करें तो पहले विधानसभा चुनाव के साथ ही अस्तित्व में आई खेरागढ़ विधानसभा। वर्तमान में बसपा के भगवान सिंह कुशवाहा हैं खेरागढ़ से विधायक। 2007 के बाद से लगातार विधायक हैं बसपा के भगवान सिंह। 1991 और 2002 में खेरागढ़ सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा। 1993 और 1996 में कांग्रेस के मंडलेश्वर सिंह चुनाव जीते। 2005 में हुए उपचुनाव में आरएलडी के अमर सिंह परमार जीते। लगातार दो बार से विधायक भगवान सिंह कुशवाहा एक बार फिर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। हमने पड़ताल की खेरागढ़ विधानसभा में हुए विकास कार्यों की। विधायक से बात करने के साथ ही राय जानी जनता की कि आखिर विधायक जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे। आपके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? जवाब में विधायक जी कहते हैं सड़कों की मरम्मत कराई। मार्ग है तांकपुर से आगरा मार्ग जो है लगभग 11 करोड़ रुपए का मरम्मती करण, जबकि जो पुनः सड़क बनी थी तो अपनी सरकार में बहन कुमारी माती जी सरकार में हम लोगों ने 40 साल बाद उस सड़क का निर्माण हुआ था, लेकिन अभी मरम्मत काफ़ी खराब हो चुकी थी। तमाम विभिन्न नियमों में लिख करके हमने उसको लगभग 11 करोड़ मरम्मत कराने का काम किया है। गांव के अंदर तो साहब पाँच साल की तो चलती क्या है, 10 साल से ये जो रोड है बिरई से नदीम के लिए लिंक रोड, रजपुरा से जो नदीम के लिए लिंक रोड वो भी नहीं हुए हैं। जिस दिन से गलियों की क्या हालत है आपकी? गलियों की हालत तक है, गांव में गाड़ियां जो छोटी छोटी गाड़ियां आती हैं उन्होंने गाड़ियों के चेस भी अट जाते हैं। मेरे यहाँ देखे तो जाखन तुम निकल ना सकते, इतनी गली खराब है, सभी व्यवस्था खराब है सर। हाँ सब खराब, कोई गांव की सड़क सब खराब है। मेरे साथ चलो, मैं कम से कम फेरी वाला इंसान हूँ, तमाम जगह घूमता हूँ। और आए लेखी देखो मुक्का कहाँ की देखोगे आप, अपनी एरिया ही पूरी बता दूंगा मैं। एक भी सड़क किसी गांव की नहीं बनी है, यानी बिलावली मोड़ से लेके बिधौली बरुआ साले नगर तक किसी गांव के लिए सड़क आप कभी भी जाके हम दिखाना है गाड़ी से, इतने उतने ओड़े गड्ढा है, गाड़ी ले जाने में भी हमें दिक्कत पड़ती है। मैं इस वक्त खेरागढ़ विधानसभा में खड़ा हूँ जहाँ से विधायक बीएसपी के भगवान सिंह कुशवाहा है। उनका दावा है कि पिछले कार्यकाल और वर्तमान में भी मौजूदा विधायक हैं, उनका दावा है कि क्षेत्र जनता के लिए उन्होंने जो विकास कार्य कराए हैं उसमें सबसे बड़ा काम जो है वो सड़कों को लेकर कराया है, क्योंकि क्षेत्र की जो सड़कें हैं पूरी तरह से टूटी हुई उनको दुरुस्त करा दिया है। और दूसरे दावे की अगर बात करें तो क्षेत्र में जितनी भी पुलिया बनी हुई है, बांध बने हुए हैं, उनका मरम्मत कार्य करा दिया है। जमीनी हकीकत क्या है उसी का जायजा लेने के लिए हम इस समय खेरागढ़ विधानसभा के गांव में खड़े हैं। सबसे पहले मैं सड़कों की बात करूंगा, सड़क दिखाना चाहूंगा कि पूरी तरह से सड़कें टूटी हुई हैं। कहीं ना कहीं जो लोग हैं इन सड़कों की वजह से लगातार हादसे के शिकार होते हैं। सड़कों में पानी भरा हुआ है, स्थिति उस समय खराब हो जाती है जब तेज बारिश होती है, लोगों को निकलने के लिए जगह नहीं है। दूसरा ऐसा काम बताइए जिससे जनता आपको वोट करे। विधायक जी कहते हैं पेयजल की व्यवस्था। ना तो आरसीसी गलिया है जी, और ना पानी की व्यवस्था है, और टंकी है वो खराब पड़ी हुई है। क्या माना जाए उनके जो दावे हैं पूरी तरह से झूठे हैं, बिल्कुल झूठे। एक ना भाई ना गली ना पानी की परेशानी, बहुत व्यवस्था खराब हो जाएगा गांव के अंदर। आपके कार्यकाल का तीसरा बड़ा काम क्या रहा? विधायक जी कहते हैं नहरों पर पुल निर्माण। जंगली ब्लॉक में बंधों का निर्माण नहीं हुआ था, टूट गए थे बंदे, कच्चे बंदे बने हुए थे, उसमें मैंने याचिका समिति में लगा करके स्वीकृत कराया है, जिसमें कि भोजपुरा, रछुआ, गुंगामद और होलीपुरा बागौर ये बंदे मेरे स्वीकृत हो चुके हैं, और शीघ्र इसका टेंडर भी होने वाला है एक दो दिन में, और काम शुरू होने वाला है। उनका दावा है कि क्षेत्र में जितने भी नहर हैं उनके जो बांध बने हुए हैं, पुलिया बनी हुई है, उनका मरम्मत कार्य कराया है। दिखाना चाहूंगा ये गांव की पुलिया बनी हुई है, नहर है, कहीं ना कहीं पुलिया जो है वो पूरी तरह से जर्जर है, हादसे को दावत दे रही है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। विधायक भगवान सिंह
कुशवाहा के द्वारा किए गए दावे पूरी तरह से खोखले साबित होते हैं। देख सकते हैं पुलिया की जो सड़क है वो पूरी तरह से टूटी हुई है, जो पूरी तरह से जो बांध बना हुआ है वो कभी भी टूट सकता है, जर्जर हालत है और बड़ा हादसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि भगवान सिंह विधायक जो बीएसपी से हैं उनके द्वारा किए गए दावे की पोल खुलती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा 2017 में इस चुनाव में उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हमारी पड़ताल में विधायक के दावों की हकीकत कुछ और ही निकली। सड़कें आज तक ठीक नहीं हुई, पेयजल की समस्या जस की तस है। यही नहीं, खेरागढ़ विधानसभा क्षेत्र की जितनी भी नहर हैं, ना तो उनके बांध ठीक हुए और ना ही पुलों का निर्माण हुआ। जनता विधायक के कामों से संतुष्ट होने के बजाय उन्हें नकार रही है। लेकिन भगवान सिंह कुशवाहा एक बार फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। देखना होगा जनता विधायक को इस बार पास करती है या फेल। आगरा से समाचार प्लस के लिए शिव चौहान की रिपोर्ट।